फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे और जानेंगे क्या सही समय शेयर खरीदने का। दोस्तों, इसमें इस कंपनी में आपने शेयर खरीद के रखा है तो उसमें क्या एक्शन लेना है तो उसमें आपको एंड तक पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी देखो हडको जो 1970 वो शुरू हुई थी, जो कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 89.81% पूरा स्टेक लेकर रखा है। ये मार्च 31, 2018 तक काउंट किया गया। देखो, ये कंपनी है क्या प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर सोशल हाउसिंग के लिए और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरे देश में। और दोस्तों, इसका देखो हडको और क्या करती है, जो इसमें एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह भी रजिस्टर हुई है ये नेशनल हाउसिंग बैंक में। और देखो, ये इस कंपनी को मिनी रत्न का स्टेटस भी मिला हुआ है अगस्त 2004 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्न कंपनी मानी जा रही है। और देखो, इसमें और प्रधानमंत्री आवास योजना जो हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ये स्कीम जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें उसका भी पूरा मॉनिटर करती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर पूरा इसके कंट्रोल में ही आता है। और इसके देखो कॉरपोरेट ऑफिस के अलावा देखो 21 इसके रीजनल ऑफिसेस है और 11 डेवलपमेंट ऑफिसेस है। दोस्तों, तो इसका भी शेयर वैल्यूएशन भी एक बार नज़र तक मार लेते हैं। इसमें एक मार्केट कैप देखो 4795 करोड़ है, छोटी कंपनी है। दोस्तों, इसका बुक वैल्यू देखो 59.84 रुपीज़ है। उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ROCE 8.43, ग्रोथ बहुत कम है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 0.40, देखो बहुत कम प्राइस टू बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम आ जाता है। इंडस्ट्री पी देखो 24.79 है, जबकि इसका पी बाद में देखो 3 के आसपास चल रहा है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 89.81%, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का पूरा देखो मेन 90% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें लेके रखा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर करंट प्राइस देखो 23.95 इसका चल रहा है। और नीचे देखो स्टॉक पी देखो 3.19 है, 3.19 देखो कितना कम पी पर चल रहा है। तो इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो देखो कितना कम पर ये चल रहा है। डेट इक्विटी देखेंगे तो 5.07, देखो ये कोई फाइनेंस वगैरह देने वाली कंपनी है तो उसके लिए हम देखेंगे नहीं इसको, एक से ज़्यादा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। PEG रेशियो देखेंगे तो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, उसमें ग्रोथ के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ देखो ज़्यादा है, PE से ज़्यादा ग्रोथ है, तो इसलिए देखो इसका 0.32 आ गया है, यानी एक से कम होना चाहिए PEG रेशियो, तो ये बहुत ही बेटर है। तो देखो ये प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, मतलब कोई गिरवी नहीं रखा गया शेयर। और यहाँ पर 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई देखो 46.40 तक था, उसका 18 रुपीज़ तक लो भी गया था लो। और डिविडेंड यील्ड देखो 3.44% है, डिविडेंड देखो अच्छा खासा दे रही है इस रेट पर। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ठीक ठाक है। और उसके बाद EPS देखो 7.52 रुपीज़ है इसका अर्निंग पर शेयर। और चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग देखो -10.19, मतलब देखो अभी ये लिस्ट हुआ था जो उस समय इन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम की थी, इसलिए बताया गया इतना कम प्रमोटर्स लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने इतना अपनी हिस्सेदारी पब्लिक में बेची थी। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, December 18 को December 19 से कंपेयर करेंगे। देखो रेवेन्यू में देखो 1311 करोड़ था December 18 में, December 19 में बढ़कर देखो 1794 करोड़ हो गया, देखो जबरदस्त जंप लिया है। वो यहाँ पर देखो नीचे नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट December 18 में 328 करोड़ था, तो देखो December 19 में देखो घटकर 206 करोड़ हो गया। ये देखो ये क्वार्टरली रिजल्ट खराब आने की वजह से थोड़ा इसमें माइनस पॉइंट हो गया, क्योंकि ये थोड़ा शेयर भी थोड़ा करेक्ट हो गया उस टाइम पे। दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस 2012 से लेकर अभी तक देख लेते हैं। दोस्तों मार्च 2019 तक देखो रिवेन्यू कैसा दिया गया। मार्च 2012 को रिवेन्यू देखो 2758 करोड़ था, फिर 2886 करोड़ हो गया, फिर 2978 करोड़ हुआ, फिर 3383 करोड़ हुआ। यहाँ पर मार्च 2016 में थोड़ा सा कम हुआ है, 3270 करोड़ हुआ है, फिर बढ़ गया, फिर 3536 करोड़ हुआ है, फिर 4228 करोड़ हुआ, फिर बढ़कर 5583 करोड़ हुआ, और 20 में आने वाला है 7120 करोड़ तक काउंट हुआ है। दोस्तों इसका प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं एक बार। मार्च 2012 को देखो नेट प्रॉफिट 622 करोड़ था, फिर बढ़कर 700 करोड़ हुआ, फिर 734 करोड़ हुआ, 768 करोड़ हुआ, 783 करोड़ हुआ, 842 करोड़ हुआ, फिर मार्च 2018 को 1010 करोड़ हुआ है, और यहाँ पर फिर देखो मार्च 2019 को 1180 करोड़ हुआ है। हर हमेशा देखो बढ़ ही रहा है, फिर आगे आने वाले समय में 1500 करोड़ तक होने वाला है। दोस्तों इसका ये एक्चुअली इसका सितंबर 19 का जो रिजल्ट में नेट प्रॉफिट बहुत बड़ा हुआ था दोस्तों, तो इसमें देखो 20 का भी
तो ओवरऑल जो साल का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा हो जाता है उसका, मतलब एक एक क्वार्टर में कम ज़्यादा होता है, लेकिन तो ओवरऑल देखो साल में किसी भी साल में उसका नेट प्रॉफिट गिरा हुआ नहीं है। देखो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा ही है, कोई भी प्रॉफिट में कहीं भी गिरावट नहीं है। देखो जैसे एक साल का चार्ट देख लेना तो उसका, दोस्तों एक साल पहले देखो 44 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहा था, जो गिरते गिरते देखे देखो अभी ये 23-24 रुपीज़ तक आ गया है एक साल का, देखो मतलब आधा के आसपास हो गया है ये एक साल में। दोस्तों इसका देखो जब से लिस्ट हुआ है ना, तब से देखो ये मई 2017 को ही कुछ लिस्ट हुआ था, ये 72 रुपीज़ देखो उस समय था, फिर उस समय फिर थोड़ा बढ़ कर के देखो 88 रुपीज़ तक गया, फिर उसके बाद लगातार गिरावट हो रही है। 82 रुपीज़ हुआ, फिर 60 रुपीज़, 50 रुपीज़, 44, 44, 37, 42 रुपीज़ तक गया, फिर गिर कर 19 का लो बनाया था उसने 19, फिर 23 रुपीज़ तक अब ये तक आया था दोस्तों। दोस्तों इसका पी वगैरह भी कंपेयर करके देख लेते दूसरे कंपनियों से, इसका पी देखो हार्डकोर का पी देखो 3% है, 3.19%, देखो कितना कम है। नीचे देखो पीएनबी हाउसिंग का जो है वो 2.37, वो भी बहुत कम है, लेकिन इसमें देखो हर एक लेवल पे हमें देखना है, सिर्फ पी को देखना नहीं, बाकी के इसके क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। तो देखो हार्डकोर में देखो डिविडेंड अच्छा खासा भी दे रहा है, डिविडेंड यील्ड देखो 3.44% तक डिविडेंड भी दे रहा है, और यहाँ पर देखो इसका बाकी का देखो आर ओ सी देखेंगे तो आर ओ सी कम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है, मतलब ग्रोथ में थोड़ा कम आ रहा है इसमें, और पी जी कम आ रहा है, पी कम आना चाहिए, चल जाएगा, जितना एक से कम रहेगा अच्छा है। तो और ये आर ओ सी ई परसेंटेज देखो ये एकदम कम आ रहा है, तो ये थोड़ा ये माइनस पॉइंट हो गया था, ग्रोथ भी अच्छा दिखाई देना चाहिए। तो इसका एनएससी पे कारोबार कैसे चल रहा देखते हैं। इसमें देखो अभी 17 अप्रैल को जैसे देखो जब मार्केट क्लोज हुआ था तो देखो निफ्टी 3% तक बढ़कर बंद हुआ था ना, तो देखो ये 5% तक बढ़ा था, ये 5% बढ़कर 1.15 रुपये तक देखो ये हड़को 24 रुपये तक पहुँच गया ये, और इसका देखो कितना डिलीवरी इसमें उठा रहे नीचे भी बताया गया, देखो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी पर कॉन्ट्रीब्यूट देखो 36.24, देखो अच्छा खासा डिलीवरी उठा रहे लोग, मतलब इसके अंदर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लेके इसमें रख रहे हैं, रेट भी ठीक ठाक लग रहा है। दोस्तों इसमें ऐसा मेरा ये कहना होगा कि ये अभी जैसे कि अभी देखो कुछ दिनों से शेयर मार्केट अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, जब गिरेगा तो देखो ये 18 रुपीज़ तक वापस आ जाएगा ये, तो 18 और थोड़े नीचे के लेवल पे इसको आप लेना चाह रहे हो, थोड़े बहुत शेयर इसमें जमा कर सकते हो, ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि ये छोटी कंपनी है, क्योंकि ये जब गिरावट आती है तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, बहुत नीचे की लेवल पर 10-20-30% तक फेंक देता है नीचे, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं, मतलब आपके पोर्टफोलियो का 2-1-2% ही सिर्फ इसमें खरीदी करिए, ज़्यादा मत लीजिएगा, और थोड़े थोड़े ही खरीदी करिए, जैसे गिरता है वैसे खरीदी करिए, क्योंकि देखो अभी बढ़ गया है तो मेरे ख्याल से अभी जब गिरावट आएगी तो एक साथ में 10% ही गिर सकता है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एक बार पूछ कर से सलाह लीजिए, 2-3 लोगों से पूछ कर ही कुछ भी अपना डिसीजन लीजिएगा दोस्तों। तो सर आपको वीडियो कैसा लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।